अस्सलाम वालेकुम। और डिफ्टेरिया के इलेक्शंस के मौके पर गहमा गहमी के साथ ही हम आपको बारहा थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट दे रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद है, आइए फूल के कैंडिडेट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। बड़ी गहमा गहमी है, किस प्लेटफॉर्म से हैं? मैं यूटीए के पैनल से ज्वाइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी नूर हुसैन नाम है मेरा। नूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज क्या देखते हैं, क्या मंशूर लेके आ रहे हैं, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं? देखें, जो अभी ऑलरेडी एक मैनेजिंग कमेटी चल रही है, मैं उसका हिस्सा हूं। और यूटीए का पैनल पिछली दफ़ा 30 में से 26 सीटें लेकर के कामयाब हुआ था, तो अब के बार भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि यूटीए ही जीतेगा। इंशाल्लाह यूटीए ही जीतेगा, इंशाल्लाह शाम तक नतीजे आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे आप जीत के बाद? जीत के बाद डिफ्लेरियन की भलाई के लिए इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। ठीक है। और जो अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इसमें सबसे बेसिक जो इशू है रियल एस्टेट सेक्टर, उस बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो उसके लिए कुछ प्लान्स हैं आपके पास? देखें, रियल एस्टेट सेक्टर जो मुतासर हो रहा है, असल में हमारे पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है नहीं काम करने के लिए, कोई रोड मैप नहीं है, तो इसी को ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रियल्टर्स का काम है। हम क्लाइंट्स को डराते हैं कि यार हालात ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, ये बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट टाइम है, इसको इन्वेस्टमेंट टाइम है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट टाइम है, क्लाइंट्स आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। कब से डिफ्लेरिया में आप हैं? मैं पिछले कोई 2011 से, मैं ऑलरेडी इस कैबिनेट का हिस्सा भी हूँ। मैं पिछली दफ़ा भी जीता था जोन मेंबर, 3 दफ़ा जोन मेंबर जीता हूँ, अभी मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट। तो आज भी जीत के लिए पुरअज़म है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।